अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ जी ब्लैक बक काला हिरन। तो ये काला हिरन हमने बनाया इंपोर्टेड में, ये एक दोस्त के फार्म का एक्सपायर हो गया था तो ये हमने इंपोर्टेड में बनाया। मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए और आपके साथ आपको दिखाया जाए। ये ब्लैक बक है जी और ये तकरीबन 3 साल का मेल है। ये देखें जी, इसका भी सिंगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि जितनी एज बढ़ती जाएगी और उसके कलर काले होते जाएंगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ये, और नीचे से वाइट रहेगा। इसमें आंखें भी लोकल डाली है हमने, बॉडी इसमें हमने इंपोर्टेड बनाई है। क्वालिटी आपके सामने है और मेंटेनेंस भी आपके सामने है, और ये क्वालिटी देखें और इसकी फिनिशिंग देखें। तो आपको मैंने चारों तरफ से दिखाता हूँ, ये देखें जी ग्रीन बेस भी लगाया है। ये भी किसी दोस्त के फार्म का एक्सपायर हो गया था, तो ये भी एक दोस्त के फार्म का एक्सपायर हो गया था तो वो फिर स्टफिंग के लिए लाए हमारे पास, क्या ठीक ठाक है। तो ये फार्मिंग का काम करना चाहिए, गवर्नमेंट से आप लाइसेंस लेके फार्मिंग का काम करें, ब्रीडिंग फार्म बनाएं, उसमें बर्ड रखें, एनिमल रखें, ताकि आपके पास ब्रीड आती रहे और लीगल काम करें, उसका फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। तो बाकी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, जानवर या हम जो है वो अल्लाह के हाथ में ही है जी, जब जितनी अल्लाह ने लिखी हुई ज़िंदगी, बाकी अल्लाह खैर खैरियत रखता है। ये देखें आप इस पर आ जाते हैं तो ये क्वालिटी आपके सामने है। उसको मैं बैक साइड भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं जी बैक साइड से भी क्वालिटी वाइज आपके सामने है, और इसकी लुक भी आपके सामने है, फिनिशिंग देख सकते हैं आप। बाकी क्वालिटी आपके सामने है, और किसी ने कोई बर्ड या एनिमल स्टफ़ कराना हो हमसे रब्ता कर सकता है, और किसी ने कोई उनकी मेंटेनेंस करानी हो तो वो भी रब्ता कर सकता है, उससे मेयार बढ़ जाती है इसकी। और हमारे पास से स्प्रे भी मिलता है लिक्विड का, वो करें ताकि इसकी मेयार बढ़ती जाए, बर्ड हो, परिंदा हो या कोई एनिमल हो तो उस पर लाजमी करें, और सफाई के तरीके आपको बताएँगे ताकि आपकी चीज़ जो है वो महफूज रहे, ख़राब ना हो। तो हम भी इंशाल्लाह यही कोशिश करते हैं और वीडियो भी इसलिए आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको लोगों को पता चले, तो जो मालूमात आपको नहीं है तो वो आपको हम फराहम कर सके, आपको दे सके। तो यहाँ पे तो मेरे पास बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी चिड़िया का जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पर जानवर देख के उनका दिल खुश होता है। तो ये आपके सामने है, तो हम खूब कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, आपको बता सके, आपको बर्ड एनिमल भी दिखाएँ और आपको उनके तरीके भी बताएँ। तो ये हमारी पूरी टीम वर्क होती है, मैं अकेला नहीं करता, टीम वर्क है पूरी, हम भाई करते हैं माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक का इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।